ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद आवर सेशन। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में दांडी मार्च के बारे में पढ़ा, जिसे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं। और ये दांडी मार्च कब शुरू हुआ था बच्चों? तो ये 1930 में शुरू किया गया था। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी ने ये दांडी मार्च की शुरुआत की थी। और उन्होंने कहां से शुरुआत की थी? साबरमती आश्रम से लेकर वो दांडी गए थे, जहां पे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था, राइट, बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट। तो हम इसमें क्या देखे थे बच्चों? हमने देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास यानी ब्रिटिश के पास ही ये अथॉरिटी, ये मोनोपोली था कि वो सॉल्ट मैन्युफैक्चर करते और उसे सेल करते, और उसके ऊपर टैक्स भी लग रहा था। लेकिन महात्मा गांधी का कहना था कि सॉल्ट जो है वो हमारे फूड आइटम का बेसिक नेसेसिटी है और इस पे टैक्स लगना इज सिनफुल। और इसी वजह से उन्होंने इस मार्च की शुरुआत की थी, जिसे हम दांडी मार्च कहते हैं। और हमने इसमें पढ़ा कि बहुत सारे लोगों ने इस मार्च में पार्टिसिपेट किया था, और आप देखोगे तो विमेन ने पार्टिसिपेट किया, ट्राइबल लोगों, पेजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट रीजन से जितने भी लोग हो सकते थे बच्चों वो इस मार्च में पार्टिसिपेट करके और फाइनली सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट क्विट इंडिया एंड लेटर। फिर हमने देखा कि 1940s में एक दूसरा फेज शुरू किया गया, जिसमें कि नया मूवमेंट लॉन्च किया गया था 1942 में। और ये कब हुआ था बच्चों? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, है ना। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था, 1939 से लेके ऑलमोस्ट 45 तक हमारा ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। और इसी बीच में इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था। और इसमें आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन से लोगों ने यहाँ पे बहुत ही वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, और महात्मा गांधी ने स्लोगन दिया डू और डाई। लेकिन महात्मा गांधी का ये भी कहना था कि आप नॉन वायलेंट तरीके से अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज कर सकते हो। लेकिन क्या ऐसा हुआ था? नहीं। हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे बच्चों जो अपने तरीके से, अपने इंटरप्रिटेशन के थ्रू उन्होंने इस मूवमेंट को लॉन्च किया, और बहुत जगह बहुत सारे कम्युनिटीज में वायलेंट क्लैशेस भी हुए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी वायलेंट क्लैशेस हुआ, एंड दैट इज व्हाई इट अपसेट महात्मा गांधी, राइट। अब आज के सेशन में हम अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। अब यहाँ पर हम इस फेज के बारे में पढ़ेंगे जहां पे हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हमारे कंट्री दैट इज इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला और ये पार्टीशन कैसे हुआ। और इसके आगे के चैप्टर में बच्चों आप लोग पार्टीशन के बाद के सिनेरियो के बारे में पढ़ने वाले हो। तो यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि इंडिपेंडेंस जो हमें मिला था बच्चों वो किन फेजेस में हमें मिला। ओके, नाउ मीनवाइल इन 1940 द मुस्लिम लीग हैड मूव्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री। अगर हम 1940s की बात करते हैं बच्चों, तो उसमें आप लोगों ने सबसे पहले मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ा है ना। हम लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा है, मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ा है। ओके, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया था? उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया या मूव किया, और इसमें क्या डिमांड कर रहे थे बच्चों? दे वर डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स, कि मुस्लिम्स के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए, उन्हें दिया जाए। और किस एरियाज में? तो नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री, जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा हुआ करता था। द रेजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशन और पाकिस्तान। उस टाइम तक इस रेजोल्यूशन में कोई पार्टीशन का मेंशन नहीं किया गया था, या फिर जो न्यू स्टेट क्रिएट या न्यू नेशन क्रिएट किया गया था बच्चों, जिसे आज हम पाकिस्तान भी कहते हैं, राइट, पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान बना था, तो उस टाइम इस रेजोल्यूशन में पाकिस्तान या फिर पार्टीशन का कोई मेंशन नहीं किया गया था। फ्रॉम द लेट 1930s द लीग बिगैन व्यूइंग द मुस्लिम्स एज अ सेपरेट नेशन फ्रॉम द हिंदूज। और ये डिमांड अचानक से आया या ये भी फेजेस में हो रहे थे, इसके बारे में यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आप देखो कि अगर हम लेट 1930s की बात करते हैं, यानी कि 1935 के बाद के पीरियड की बात करते हैं, तो लीग दैट इज द मुस्लिम लीग,
उन्होंने क्या देखा? उन्होंने मुस्लिम्स को एज अ सेपरेट नेशन व्यू किया फ्रॉम द हिंदूज। उन्हें लगा दैट मुस्लिम्स दे आर इन माइनॉरिटी और इसीलिए उनके लिए एक सेपरेट नेशन बना देना चाहिए, राइट? और उसी टाइम से दिस डिमांड फॉर अ न्यू नेशन और इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये रेजोल्यूशन इस तरीके के पास किए जाने लगे। इन डेवलपिंग दिस नोशन इट मे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिस्ट्री ऑफ टेंशन बिटवीन सम हिंदू एंड मुस्लिम ग्रुप्स इन द 1920s एंड 1930s। अब ये नोशन क्यों आया था बच्चों? ये नोशन इसलिए आया था कि 1930s और 1920s के बीच का जो पीरियड था बच्चों, उस टाइम पे बहुत ज्यादा कम्युनल राइट्स हुए थे। मतलब कि जो हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे बच्चों, वो आपस में काफी वायलेंट तरीके से लड़ रहे थे और उसी की वजह से ये टेंशन क्रिएट हो गया बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज। और उसके बाद लेट 1930s में जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे बच्चों, दे स्टार्टेड व्यूइंग द मुस्लिम्स एज अ सेपरेट नेशन और तभी से ये डिमांड शुरू हुआ फॉर इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स। ओके, ऑल्सो द कांग्रेसेस रिजेक्शन ऑफ द लीग्स डिजायर टू फॉर्म अ जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस इन 1937 ऑल्सो अनॉयड द लीग। अब आपको याद होगा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में 1937 के इलेक्शन के बारे में पढ़ा था, राइट? और उसमें हमने क्या देखा था कि गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 के तहत एक प्रोविंशियल इलेक्शंस हुआ था, राइट? और वो किस ईयर में हुआ था बच्चों? वो 1937 में हुआ था। और इस इलेक्शन में हमने क्या देखा था कि क्लियर विनर कौन थे बच्चों? तो इट वॉज द कांग्रेस पार्टी। ओके, और इस वजह से मुस्लिम लीग को ऐसे भी थोड़ा गुस्सा आया था कि 11 प्रोविंसेस में 7 प्रोविंसेस किसके अंडर आ गए थे बच्चों, उसमें कौन जीता था? तो उसमें कांग्रेस पार्टी जीत गई थी। और यहां पर क्या हुआ था, उस टाइम पे मुस्लिम लीग ने बोला कि वो एक जॉइंट गवर्नमेंट, जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट बना सकते हैं इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस, लेकिन वहां पे कांग्रेस ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। और इस रिजेक्शन की वजह से भी जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे बच्चों, उनको काफी गुस्सा आया। ओके, नाउ द कांग्रेसेस फेलियर टू मोबिलाइज द मुस्लिम मासेस इन द 1930s अलाउड द लीग टू वाइडन इट्स सोशल सपोर्ट। और यहां पे आप देखो कि ये 1930s की बात है कि कांग्रेस का एक फेलियर हुआ, राइट? अब कांग्रेस ने क्या किया बच्चों, दे वर नॉट सपोर्टिंग और दे वर नॉट एबल टू मोबिलाइज द मुस्लिम मासेस। मतलब वो हिंदू कम्युनिटी को साथ लेकर चल तो रहे थे, लेकिन जो मुस्लिम मासेस थे बच्चों, उनको अपील नहीं कर पा रहे थे। ओके, और इस वजह से भी जो नोशन क्रिएट हुआ था ऑफ गेटिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स, ये धीरे धीरे बाकी एरियाज में भी बढ़ने लगे। नाउ इट सॉट टू एनलार्ज इट्स सपोर्ट इन द अर्ली 1940s व्हेन मोस्ट कांग्रेस लीडर्स वर इन जेल। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम पीपल थे बच्चों, उन वो किसके साइड होने लगे, वो मुस्लिम लीग के मेंबर्स उनके नोशन के साइड होने लगे और उन्हें भी लगने लगा कि उनके लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना देना चाहिए। और ये कब हुआ, ये 1940s की बात है, जब जितने भी मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, दे स्टार्टेड एनलार्जिंग देयर सपोर्ट। और उसी टाइम पे कांग्रेस के बहुत सारे मेंबर्स जेल में थे। जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी बच्चों, तो शुरुआत में ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने और ऑफिसर्स ने बहुत सारे कांग्रेस मेंबर्स को जेल में डाल दिया था। और यहाँ पे जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, उनको एक काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी लगा, जिसके थ्रू उन्होंने अपने पूरे मास को या फिर अपने सपोर्ट को इनलार्ज किया या वाइडन किया। ओके, नाउ दे वर एबल टू गेट मोर एंड मोर सपोर्ट एंड दैट इज द सपोर्ट फ्रॉम द मुस्लिम मासेस। अब ये आप जो पिक्चर देख रहे हो बच्चों, नाउ दीज आर द मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग। ओके, एट द एंड ऑफ द वॉर इन 1945 द ब्रिटिश ओपन नेगोशिएशंस बिटवीन द कांग्रेस द लीग एंड देमसेल्व्स फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। अब फाइनली जब वॉर खत्म होता है, कौन सा, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और ये कब खत्म हुआ था, 1945 में। अब यहाँ पे ब्रिटिश को ये समझ में आ गया था कि दे कैन नो लॉन्गर रूल इंडिया, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्योस हो चुका था, बहुत ज्यादा कम्युनल वायलेंस हो रहा था बिटवीन द हिंदू एंड द मुस्लिम कम्युनिटीज, राइट?
आपस में लोग बहुत ज्यादा लड़ रहे थे और यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिला जहाँ पे ब्रिटिश ने सोचा कि वो नेगोशिएशंस कर सकते हैं बिटवीन द कांग्रेस द मुस्लिम लीग और खुद भी. ओके सो द टॉक्स फेल्ड बिकॉज द लीग सॉ इटसेल्फ एज द सोल स्पोक्स पर्सन ऑफ इंडियाज मुस्लिम्स. लेकिन यहाँ पे 1945 में ऐसे बहुत सारे टॉक्स अरेंज किए गए थे, बहुत सारे नेगोशिएशंस रखे गए थे, लेकिन किसने मना किया बच्चों उन नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट करने के लिए या जो भी डिमांड्स थे उनको एक्सेप्ट करने के लिए? तो वो थे मुस्लिम लीग. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि सिर्फ दे आर दी ओनली सोल स्पोक्स पर्सन ऑफ इंडिया मुस्लिम्स, यानी कि इंडिया में जो भी मुस्लिम्स रह रहे थे उनके स्पोक्स पर्सन या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? तो मुस्लिम लीग. और वो कोई भी नेगोशिएशन नहीं करना चाह रहे थे. ओके Elections to the provinces were again held in 1946. अब 1946 में एक दूसरा election held हुआ था, that is in the provinces. The Congress did well in the general constituencies, but the League's success in the seats reserved for Muslims was spectacular. अब 1946 में दूसरा provincial election हुआ था. यहाँ पर हम देखते हैं कि Congress ने general constituencies में काफी अच्छा परफॉर्म किया, यानी कि बहुत सारी सीट्स कांग्रेस पार्टी के हाथ में आई. लेकिन जब हम मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो जितने भी सीट्स जो रिजर्व थे फॉर मुस्लिम्स, वहां भी उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया. इट परसिस्टेड विद इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान. अब उन्हें लगने लगा कि उनके पास काफी ज्यादा सपोर्ट है मुस्लिम्स का, एंड देयरफॉर दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर पाकिस्तान, दैट इज अनदर नेशन और अ सेपरेट नेशन. अब यहां से डिमांड फॉर पाकिस्तान या फिर जो नोशन था बच्चों, दैट इज द टू स्टेट थ्योरी नोशन, वो धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ने लगा. ओके यहाँ से पार्टीशन के लिए ये पूरा फेज बनने लगा जहां पे मुस्लिम लीग एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे, राइट एक दूसरा नेशन चाहते थे जहां पे मुस्लिम्स जितने भी इंडिया में रह रहे हैं उन सबको उन एरियाज में डाला जाए. ओके In March 1946, the British cabinet sent a three-member mission to Delhi to examine this demand and to suggest a suitable political framework for a free India. लेकिन यहाँ पर भी आप देखो कि इतनी जल्दी इस डिमांड को नहीं माना जा रहा था, राइट? क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस में बहुत सारे मेंबर्स थे बच्चों जो इस सेपरेट नेशन थ्योरी के अगेंस्ट थे. वो नहीं चाहते थे कि एक दूसरा एक पार्टीशन हो जिसमें कि दूसरा नेशन बनाया जाए और वहां पे मुस्लिम्स रहे सिर्फ. ओके सो इन मार्च 1946 ब्रिटिश कैबिनेट सेंट थ्री मेंबर मिशन, और इसी मिशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस मिशन को हम कहते हैं कैबिनेट मिशन, जिसमें कि ब्रिटिश ने तीन ऑफिशियल्स भेजे थे टू एग्जामिन दिस डिमांड. ये जो सेपरेट नेशन का डिमांड था बच्चों उसको एग्जामिन करने के लिए और नेगोशिएशंस करने के लिए थ्री मेंबर्स आए थे हमारे कंट्री में. ओके एंड टू सजेस्ट अ सुटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क. दिस मिशन सजेस्टेड दैट इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड एंड कॉन्स्टिट्यूट इटसेल्फ एज अ लूज कॉन्फेडरेशन विद सम ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज. अब यहां पे आप देखो कि कैबिनेट मिशन ने क्या सजेस्ट किया. उन्होंने सजेस्ट किया कि इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड, मतलब इंडिया एकजुट होकर रह सकते हैं और यहाँ पे कुछ लूज कॉन्फेडरेशन हो सकता है. और वो लूज कॉन्फेडरेशन में क्या हो सकता है कि जो भी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया से बच्चों उनको कुछ ऑटोनॉमी दिया जाए. लेकिन क्या ये सही था? नहीं. हो सकता है बाद में और कम्युनल राइट्स हो हिंदू और मुस्लिम के बीच में. सो देयरफॉर मुस्लिम लीग और इनफैक्ट जो कांग्रेस के मेंबर्स थे बच्चों वो इस आइडिया से अग्री नहीं किए. तो ये जो कैबिनेट मिशन था वो भी फाइनली फेल हो गया. आफ्टर द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन द मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन मास एजिटेशन फॉर विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड. अब जब ये कैबिनेट मिशन फेल हो गया बच्चों, उसके बाद फाइनली जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो एक मास एजिटेशन करेंगे, राइट और वो इस डिमांड को जीतेंगे, दैट इज द डिमांड फॉर पाकिस्तान अ सेपरेट नेशन. इट अनाउंस्ड 16th अगस्त 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे. ऑन दिस डे राइट्स ब्रोक आउट इन कलकत्ता लास्टिंग सेवरल डेज एंड रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल. अब आप यहाँ पे ध्यान रखो
कि 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ था बच्चों, डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस किया गया था। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। यहाँ पे ये नेम और ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, ओके? और यहाँ पे आप ये नोटिस करोगे कि ठीक एक साल बाद 1947 में, यानी कि 15 अगस्त और 14 अगस्त को पाकिस्तान एक नया नेशन बना एंड इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। तो ये 1946 की बात है जब डायरेक्ट एक्शन डे इस दिन को डिक्लेयर किया गया या अनाउंस किया गया। और इस दिन में क्या हुआ बच्चों कि कलकत्ता के डिफरेंट रीजन्स में बहुत सारे राइट्स ब्रोक आउट एंड आल्सो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान गई थी, थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ दिस राइट, ओके? यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो दैट सो मेनी पीपल, राइट, थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे पार्टिसिपेटेड इन दीज राइट्स, ओके? By March 1947, violence spread to different parts of northern India. पहले तो कलकत्ता में शुरू हुआ था, अब 1947 मार्च तक हम क्या देखते हैं कि जो वायलेंस है, ये जो कम्युनल राइट्स थे बच्चों, ये नॉर्दर्न इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में भी स्प्रेड आउट होने लगे। मेनी हंड्रेड थाउजेंड पीपल वर किल्ड एंड न्यूमरस वुमेन हैड टू फेस अनटोल्ड ब्रुटैलिटीज ड्यूरिंग द पार्टीशन। एंड ऑल्सो यही फेज था बच्चों जहां पे ये पार्टीशन का फेज शुरू होने लगा, राइट? कि 1947 में बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स में बहुत सारे राइट्स होने लगे और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई और बहुत सारे विमेन थे बच्चों हु हैड टू फेस दिस ब्रुटैलिटी, राइट? एंड ऑल्सो मिलियंस ऑफ पीपल वर फोर्स टू फ्ली देयर होम्स। और इसी की वजह से डिफरेंट रीजन से बहुत सारे लोग थे बच्चों जो डिफरेंट एरियाज में उन्हें जाना पड़ा, राइट? बिकॉज ऑफ दिस राइट्स दैट वाज स्प्रेडिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। अब यही हमारा फेज था टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, जहां पर हम देखते हैं कि जब कोई चारा नहीं बचता है तो अगस्त, दैट इज 15 अगस्त और 14 अगस्त, ओके? 14 अगस्त को नया नेशन बना था पाकिस्तान दैट गॉट इंडिपेंडेंट और दूसरा हमारा नेशन इंडिया दैट गॉट इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। अब इसके बारे में आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ने वाले हो, ओके? तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी टॉक्ड अबाउट टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। यहाँ पे हमने एक फेज देखा जहां पे मुस्लिम लीग ने डिमांड किया अबाउट अ सेपरेट नेशन, राइट? और उसका नाम क्या है? पाकिस्तान। तो किस तरीके से ये डिमांड बढ़े और किस तरीके से डिफरेंट रीजन्स में राइट्स होने लगे, राइट? एंड दैट लेड टू द पार्टीशन। इन सब के बारे में हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की है। तो ये हमारा लास्ट सेशन है बच्चों और यही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है अबाउट द नेशनल मूवमेंट, जहां पे आप लोगों ने बहुत सारे मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा है। इनफैक्ट ये चैप्टर काफी बड़ा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जितने भी मूवमेंट्स के बारे में मैं आपको इस चैप्टर में बताई हूँ, प्लीज गो थ्रू योर एनसीईआरटी बुक, जहां पे इन सारे मूवमेंट्स के बारे में आप पढ़ो, सारे डेट्स को मेमोराइज करो कि कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कौन से डेट पे कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया गया था, उन मूवमेंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बच्चों, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप ध्यान में रखो, ओके? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस।